गुरु की वाणी शिष्य के जुबानी। आज हम होली के बाद जो रंग पंचमी आती है वह दिन हमें क्या उपाय करना चाहिए ताकि हमारे जो 12 महीने हैं उस 12 महीनों में हमें अर्थात हमारे परिवार को बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा, अंग पीड़ा जो होती है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा और हमारा परिवार खुशियों से भरा रहेगा। किसी भी बीमारी अर्थात कोई भी ऐसी समस्या हमारे घर में उत्पन्न नहीं होगी जिससे हम चिंतित रहे। तो आइए हम बताते हैं किस प्रकार से हमें ये उपाय करना है। आपको एक चम्मच अबील, एक चम्मच गुलाल लेना है और वह उसकी पोटली बनाकर अर्थात कागज में लपेटकर शिवजी के मंदिर में आपको जाना है। शिवजी के मंदिर में जाने के बाद आपको शिवजी के समक्ष खड़े रहकर उनके ऊपर ये गुलाल और अबील चढ़ा देना है। चढ़ा देने के बाद में एक लोटा जल चढ़ाना है और जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय, ओम श्री नमः, ओम श्री नमः, ओम नमः शिवाय, ओम श्री नमः इसका जाप करते रहना है। 5 लोटा आप जल चढ़ाओगे, 5 लोटा जल चढ़ाते हो तो आपको 10 बार ये कार्य करना है। इतना करने के बाद आपको आप जो भी मतलब छोटे बच्चों के लिए 5 रुपए की अर्थात 10 रुपए की कुछ भी मिठाई होती है या चॉकलेट होती है वो भी आप ले जा सकते हो और वो वहां पर मंदिर में एकाध चढ़ाकर और बच्चों में बांट देनी है। और श्री शिव वहां पर जाने के बाद में जो हमने मंत्र बताया उसका भी अवश्य जाप करना है। और आपको आपके समक्ष जो भी आप दिल से आपकी आराधनाएं जो निकलती है, आपकी जो इच्छाएं निकलती है वो महादेव जी के सामने आपको प्रस्ताव रख देना है। और यह करने के बाद आपको आपके घर पहुंच जाना है। सिर्फ इतना सा छोटा सा उपाय है मगर आपको 12 महीने तक आपकी अंग पीड़ाओं से आपको छुटकारा दिलाएगा और आपकी सारी समस्याएं दूर होती नजर आएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।